प्रवीण खंडेलवाल इस वक्त बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले तो आपको यही मैं कहूंगी कि जिस तरीके से आप प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है चुनावों को लेकर, बीजेपी की कब तक लिस्ट आएगी चुनाव को लेकर? और दूसरा सवाल ये कि आपकी पार्टी से जो उधर आप में गए हैं उनको अब इनाम दिया जा रहा है टिकट के रूप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ जो भी निर्णय होते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो अभी लिस्ट जारी की है, जो देखी है, इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी के पास जो अपने जिनको वो कार्यकर्ता बताते थे ऐसा कोई व्यक्ति उनको दिखाई नहीं दिया। इसीलिए जो लोग अन्य पार्टी छोड़ करके आए उनको टिकट दिया। इससे साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल को उन लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है जो पार्टी के कार्यकर्ता थे या है, किंतु उसके बनिस्पत वो उन लोगों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जो लोग अन्य पार्टियों से आए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी का जो चुनावी गणित है वो कहाँ पर खड़ा है। इसके अलावा प्रवीण जी, 3 महीने बचे हैं, अब आम आदमी पार्टी और भी लिस्ट जारी करेगी क्योंकि आज तो सिर्फ 11 उम्मीदवारों के नाम आए हैं। आपको लगता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी का असर आम आदमी पार्टी पर दिखेगा चुनाव में? देखिए, मैं एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी की बात नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज दिल्ली के लोगों ने जो 10 साल अरविंद केजरीवाल की पार्टी का शासन है और उससे दिल्ली जिस बदहाल स्थिति में हो गई, त्राहिमाम त्राहिमाम दिल्ली कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी 10 वर्ष का शासन देखा है। लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न हुआ है कि दिल्ली में अब यदि परिस्थितियों को बदलना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनानी होगी और इस नाते से हम भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है मुझे इस बात का नहीं पता। मुझे पता है कि भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास है। ठीक है प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 11 उम्मीदवारों की पहली सूची आम आदमी पार्टी द्वारा जारी कर दी गई है। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।